अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी डिश, जो दाल है वो सब खाते हैं। मैंने यहाँ पे ली है मज़ेदार सी दाल, लोबिया की दाल, उसको उबाल के लिया है मैंने। और इसके अलावा मैंने लिया एक अदद प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च और एक अदद टमाटर। मसालों में मेरे पास है सूखा धनिया, पिसा हुआ लाल मिर्च और गरम मसाला। इन सब मसालों को मैंने ले लिया है। नमक मैंने उबलते हुए में डाल लिया था, मैंने दाल को उबाल लिया था। यहाँ पे मैंने जो है वो प्याज को हल्का सा ब्राउन करूँगी। ये देखिए मेरा प्याज बिल्कुल हल्का सा ब्राउन हो गया है। ब्राउन होने के बाद मैंने इसमें टमाटर शामिल कर दिए हैं, और टमाटर शामिल करने के बाद हम इसको हल्का सा जो है वो भूनेंगे। भूनने के बाद इसमें जो है वो बाकी के मसाले ऐड करेंगे कि टमाटर जो है वो अच्छे से गल जाएँ। उसके बाद ही हम इसमें दूसरे मसाले ऐड करेंगे। तो मेरे टमाटर जो है माशाल्लाह से अच्छे हो गए हैं। इसमें मैं जो मसाले हैं वो ऐड कर रही हूँ, और मैंने जो है इसमें सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। और इसे मैं मज़ीद थोड़ा सा भूनूंगी ताकि ये अपना जो है वो कलर छोड़ दे अच्छे से। अब जो है मैं देखिए मसाला भून गया। अब इसमें मैंने जो है वो दाल लोबिया की शामिल कर दिया है, और इसको जो है वो हम मज़ीद पकाएंगे थोड़ा सा, ताकि इसका जो पानी है वो थोड़ा सा खुश्क हो जाए। ये देखिए हमारी मज़े की दाल जो है लोबिया की तैयार हो गई है। आप इसको नान रोटी के साथ खा सकते हैं, यमी और टेस्टी होती है। मेहमानों को झटपट से बना के दे सकते हैं। हमारे घर में ऐसी ग्रेवी वाली दाल खाई जाती है। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।